दोस्तों ऑन पैसिव की जो वैल्यू है आपको वो तब पता चलेगी जब बहुत सारे जो बड़े बड़े जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर घटित हो जाती हैं, हमारी फैमिली के अंदर घटित हो जाती हैं, तब आपको ऑन पैसिव की वैल्यू का पता चलेगा। अभी आपको ऑन पैसिव की वैल्यू का अंदाजा नहीं है, अभी आपको ऑन पैसिव की जो वैल्यू आने वाले टाइम में हमें कितनी बड़ी एक वैल्यू दे सकती है, हमारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है, इसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है। आप तो बस इतना समझ रहे हैं कि ये दूसरी MLM कंपनियों की तरह तेल, साबुन, शैम्पू, चाय की पत्ती और ये सप्लीमेंट बेचने वाली ये कंपनी है, जो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर खराब निकल आता है तो हम ट्राई माम करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ लाइफ में एक ही बार बनेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी चाय की पत्ती खत्म हो गई तो आप अब वो वेंडर ने मना कर दिया, अब आप दूसरे वेंडर को आप तलाश रहे हो, नहीं। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार बनेंगे और हमेशा डिजिटल तरीके से रहेंगे, ना तो कोई उसे चुरा सकता है, ना तो कोई उसे बना सकता है। तो बहुत सारी सीक्रेट चीजें भी जो रहती हैं ऑन पैसिव के अंदर, वो भी हमें कभी भी ना तो बताई जाती हैं और ना ही कभी बताई जाएंगी, क्योंकि कॉपी करने का यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक छोटा सा काम बहुत आसान है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे की कॉपी बहुत जल्दी करते हैं, भेड़ चाल बहुत जल्दी है इसके अंदर। तो ऑन पैसिव की जो वैल्यू है, ऑन पैसिव की वैल्यू आपको कब पता चलेगी, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। इसलिए ऑन पैसिव को छोटा मत समझना और ऑन पैसिव को कभी भी आप तुच्छ कंपनी समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कंपनी इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर छाने वाली कंपनी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नया इतिहास रचने वाली कंपनी है। तो जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी ना, उसके बाद जब ये पूरी दुनिया के अंदर जाएगी और वहां से जब हमारे पॉकेट के अंदर, हमारे वॉलेट के अंदर जब इनकम आ रही होगी, तो उसके बाद आपकी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन कब पता चलेगी, ये कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। जी दोस्तों, पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम मदन सिंगुला और आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको रियल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको हमेशा समय समय पे बताता रहता हूँ, ताकि आप ऑन पैसे पे अगर आपका 1% डाउट भी रह गया है ना, तो वो भी हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। तो वैल्यू कब पता चलेगी, पहली चीज, जिस तरीके से 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, 2020 में जब 3 महीने के लिए इंडिया बंद हो गया था, तो वहां पे उन लोगों की सबसे अच्छी स्थिति थी जिन लोगों ने ऑनलाइन काम किया था, जिनकी ऑनलाइन इनकम आ रही थी। तो हमारा ऑन पैसे भी बिल्कुल इसी प्रकार से ऑनलाइन इनकम देने का एक बहुत बड़ा सोर्स बनने वाला है, बहुत बड़ा एक माध्यम बनने वाला है और पूरे वर्ल्ड से इनकम आ रही होगी आपके इंडिया, आपके वॉलेट के अंदर। आप सोच के देखो कि अगर 6 महीने के लिए इंडिया अगर बंद हो गया, किसी वजह से दूसरा कोरोना आ गया या दूसरा वायरस आ गया या कोई और बड़ी विपदा आ गई हमारे भारत के ऊपर, और अगर रात को ही हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम सब लोग भारतवासियों को सूचित करना चाहते हैं कि आज रात 12:30 बजे के बाद जो है आपका इंडिया 3 महीने के लिए लॉकडाउन हो रहा है, तो सोचो आप क्या करोगे, आपका सारा का सारा जो सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। यहां पर सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, वो होगी ऑनलाइन अर्निंग, और यहां पर ऑन पैसिव आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग ही देने का काम करने वाला है। ये एक इस आप एक इस घड़ी के बारे में सोचो, तब आप 100 उस वक्त आपको वैल्यू पता चलेगी कि ऑन पैसिव की वैल्यू क्या है। सबके बहुत सारे लोग नौकरियां भी कर रहे होंगे, उनकी नौकरियां भी जा चुकी होंगी, नौकरियों से वो बाहर आ चुके होंगे, घर पे आ चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम पे जो आज अपना पूरा फोकस जमा करके, अपना पूरा फोकस लगा करके जो काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग कभी भी बंद नहीं होगी। तो ऑन पैसिव जो है बिल्कुल इसी टाइप की आपके लिए एक अर्निंग देने वाली है, जो आपकी अर्निंग कभी भी बंद नहीं होगी, चाहे हमारे इंडिया के अंदर, फैमिली के अंदर, प्रदेश के अंदर, चाहे किसी भी टाइप की कोई भी एक विपदा आ जाए। दूसरा है, किसी भी इलाके में जब भूकंप, बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक जो आपदा होती है, तो बहुत सारी चीजें वहां पे बिगड़ जाती हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मकान टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, है ना। लेकिन वो तो बने रहते हैं, लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब सोचिए कि जिसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, जिसकी दुकान चल रही थी, या जो कोई नौकरी कर रहा था, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो वहां पे उनकी सोर्स ऑफ इनकम का अब जरिया क्या रहा। उस समय उन लोगों को वैल्यू पता चलेगी ऑन पैसिव की क्या वैल्यू है, क्योंकि अगर किसी भी टाइप की कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है, तो भाई साहब आपके ही इलाके में तो प्राकृतिक आपदा आई है,
भारत के किसी दूसरे इलाके में आई नहीं है तो वहां पे आपका बिजनेस चल रहा है। जापान, जर्मनी, चाइना, अफ्रीका, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यहां तो आपदा आई नहीं है तो यहां पर भी आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास वॉलेट के अंदर इनकम आ रही है। तो आपको उस दिन वैल्यू का पता चलेगा कि आपकी इतनी बड़ी एक मुसीबत में फंस चुके हैं लेकिन फिर भी आपके पास इनकम लगातार आ रही है। तो ये एक चीज है, इसको ध्यान रखें। उसके बाद जो तीसरी है, जिस दिन आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, आप उस दिन के बारे में जरा सोचो जिस दिन आप काम करने लायक नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी फैमिली के अंदर आप काम करते हैं, आप अपना कोई भी नौकरी करते हैं या फिर आप अपनी कोई शॉप चलाते हैं या फिर आप कोई भी एक्स वाई जेड काम करते हैं और आप जिस दिन आप इस जो है कोई एक्सीडेंट में आपका दुर्घटना में आपका कोई पैर चला जाता है या आप अपंग हो जाते हो, आप लूले लंगड़े हो जाते हो या कोई भी शरीर का अंग ऐसा हो जाता है कि आप चलने फिरने लायक नहीं रहते हो, आप काम करने लायक नहीं रहते हो, उस दिन आपकी ऑन पैसिव से आने वाली जो इनकम होगी ना वो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाली है। एक ऐसी इनकम होगी जो कि बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर होंगे, वो लोग काम भी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग अपने अपने काम में मगन होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे लेकिन उनके माध्यम से आपके घर के अंदर इनकम आ रही होगी। तो आप क्या उस समय क्या कहोगे? उस समय कहोगे कि अच्छा हुआ कि मैं फाउंडर बन गया, अच्छा हुआ कि मैं रीसेलर बन गया, अच्छा हुआ कि मैंने ये कर लिया ऑन पैसिव के अंदर, अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती। तो उस दिन आपको वैल्यू समझ में आने वाली है कि ऑन पैसिव की वैल्यू क्या होने वाली है। उसके बाद जो अगला जो रीजन जो मैं बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस दिन जिस दिन आप नहीं रहेंगे इस दुनिया के अंदर, जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी और आप ही एक मुखिया है कमाने वाले, तो उस दिन आप क्या सोचोगे? उसके बाद आपकी फैमिली की जो देखा देखी है या उसका जो पालन पोषण है उसको देख रेख आपकी फैमिली की कौन करेगा? कोई भी नहीं करता इस दुनिया के अंदर। बहुत सारे 30 मार्क हाँ देख लिए कि भाई दिलासा देने वाले बहुत होते हैं इस दुनिया के अंदर, है ना, कि कोई भाई आ जाए उसका, कोई भी फैमिली मेंबर आ जाए उसका कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई बाद में कुछ भी नहीं करता है। सब लोग अपनी अपनी फैमिली के लिए करते हैं, बाद में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। बस वो केवल 2-4 घंटे की ही बातें होती हैं, बाद में कोई कुछ नहीं करता। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है इंसान जो है अपने आप को क्या नाम है भरोसा दिला सकता है या अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकता है, वो होंगे वो खुद, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी बच्ची हो, चाहे वो हस्बैंड हो, कोई भी हो, वो खुद ही होंगे जो अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन वहां पर पे कोई भी दूसरा फैमिली मेंबर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उस दिन आपके पास एक ऐसी इनकम आ रही होगी जो कि रेजिडेंट इनकम कह सकते हैं, पैसिव इनकम कह सकते हैं, कभी भी खत्म ना होने वाली इनकम कह सकते हैं, एक ऐसी इनकम आपकी फैमिली को आ रही होगी। तो वहां पर आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही होगी? आपकी फैमिली आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रही होगी कि अच्छा हुआ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, हमने तो उनको इतना भला बुरा कहा था, ये कहा था, बुरा कहा था, ठीक है। लेकिन जब उनके पास इनकम आ रही होगी तो आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, किसी के सामने कुछ भी सपोर्ट के हमें सपोर्ट कर दो, ये कर दो कि लड़की की शादी करनी है, फलानी करनी है, डिंकी करनी है, ठीक है, या इसको एजुकेशन के लिए बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं लेकिन आपके फैमिली को जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये होती है पैसिव इनकम, ये होती है रेजिडेंट इनकम। तब आपको ऑन पैसिव की जो वैल्यू है ना तब समझ में आएगी, तभी समझ में आती है जब आपके ऊपर कोई एक विपत्ति आ जाती है या कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, तभी आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं लगता कि हाँ ये सब ऐसी है वैसी है। उसके बाद जब आपके बच्चे असंभव डिमांड करने लगे, जी हाँ असंभव डिमांड का मतलब आप समझते हो कि आपके पास उतना ज्यादा पूंजी भी नहीं है, आपके पास उतना ज्यादा पैसा भी नहीं है और आपका लड़का कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, भाई साहब मुझे सेवा करनी है और मुझे डॉक्टर बन के बहुत सारे लोगों का इलाज करना है, वो रियली वास्तव में दिल से वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं, वास्तव में उसने कुछ दर्द देखे हैं इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन आपके पास MBBS कराने के लिए 50 लाख रुपया है ही नहीं, 1 करोड़ रुपया है ही नहीं, तो आप कहां से उसकी डिमांड पूरी करोगे? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो मेला में जाते हैं तो अपनी डिमांड करते हैं कि 10 रुपए का खिलौना दिलवा दो, तो तब भी हम वहां पे बहाने बना लगते हैं। तो आप सोचिए वो तो छोटा बच्चा है, जब जिस दिन वो बड़ा होगा तो उस दिन उसकी डिमांड को किस तरीके से पूरा करोगे, उस दिन के बारे में आप सोचो। ये छोटी छोटी डिमांड तो हम पूरी कर देंगे कि हमने उसको आइसक्रीम दिलवा दी, हमने उसको खिलौना दिलवा दिया, कि हमने उसको टॉफियां दिलवा दी, ठीक है, ये तो हम पूरी कर देंगे। लेकिन उस दिन के बारे में सोचो जिस दिन वो 15 साल से ऊपर निकल के जाएगा, फिर उसकी डिमांड आएगी कि उसको मोबाइल फोन भी चाहिए एक, फिर उसको अच्छे अच्छे घूमने के लिए जगह भी जानी है, यार दोस्तों के साथ पार्टी भी बनानी है, उसको अपनी लाइफ के कुछ सपने उनको भी पूरा करना है, उसको भी आप ही को सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर पैसे कहां से आएंगे? यहां पे सिर्फ पैसा ही आपकी मदद करेगा।
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जहां पर आपको तभी वैल्यू समझ में आएगी जब आपके पास आपके आसपास कोई ऐसी कोई भी घटना घटित हो रही होगी, जब आपको तभी ऑन पैसिव की वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि ऑन पैसिव हमारे लिए एक बहुत बड़ी इनकम देने वाली है। इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा हमें समझना है, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, और इस प्रोसेस के अंदर जो भी एलसी मेंबर्स हैं या टेक टीम है या हमारे जो एस सर हैं, हमारी पूरी ऑन पैसिव जो टीम है, ऑन पैसिव कंपनी, इसको सपोर्ट करना है। कभी भी उल्टी सीधी बातें यार ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्या होता है कि माइंड डिस्टर्ब होता, आपका भी माइंड डिस्टर्ब होगा और आपकी जो टीम होगी ना, वो आपकी टीम अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब तक आपको ऑन पैसिव के ऊपर भरोसा नहीं होगा, आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक भी मेंबर आपके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं करेगा। ये बात आप डायरी में नोट कर लो, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, भले ही वो आपने उसको व्यक्ति को ज्वाइन किया हो, लेकिन वो आपके आपके टच में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के टच में चला जाएगा, भले ही आपको उससे कोई मतलब हो या ना हो, है ना, भले ही आपको वो आपकी टीम का हिस्सा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देगा कि मैं भाई फलाने टीम का हिस्सा हूँ, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उनको हर प्रकार की नॉलेज भी रहती है और मेरी हर बात पे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं, वो आपके बीच में बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। तो इस चीज को जरा समझो। तो ऑन पैसिव की जो क्या वैल्यू है, मैंने आपको आज बताए लगभग 5 पॉइंट, और इन 5 पॉइंटों को अपने मन के अंदर उतार लेना। अगर आपने उतार लिया ना, तो आपको अंदर से एक डर लगेगा 100%, और वो डर ही होगा जो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा, आपके यकीन को पैदा करेगा, तभी आप ऑन पैसिव की वैल्यू को समझोगे। उससे पहले आपके लिए ऑन पैसिव कुछ नहीं है, सिर्फ एक ONPASSIVE एक स्पेलिंग है और कुछ नहीं है। ओके, तो मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बातें मेरी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर इन इट टू विन इट, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो ऑन पैसिव एक उसमें से कंपनी है जिसमें से मैं एक व्यक्ति है, एक यूट्यूबर है, उनकी बहुत अच्छी मैं वीडियोज भी देखता हूँ, बहुत अच्छी तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि वो लास्ट में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और ऑन पैसिव ने वही काम किया है। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।